चलो जय चीचानी, थैंक यू सो मच बेटा। लास्ट टेस्ट में आपने बताया कि वो 66% है मेरी अमेंडमेंट। ओके चलो, बहुत बढ़िया। सो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए, लेट्स गो। सब आगे, थोड़ी देर और कॉन्करेंट वेयर से 60 है, वी हैव टू वेट थोड़ी देर। थैंक यू सो मच उज्जवल, आई ट्राइड माई बेस्ट। आपको चार्ट पसंद आया, वही है, सभी आप ही के लिए चल रहा है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। हाय भरत, हाय शुभम, हाय निस्वार्थ, हाय आयुष। ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा ही होना है, थैंक यू सो मच। हाय अंकित, हाय मनोहर। 9 PM कपिल सर आ रहे हैं, मैं तो रुक नहीं पाऊंगा, कपिल सर को एक मैसेज डाल देता हूँ। मेरे को FCRA कंप्लीट करना है, FCRA हो जाएगा, FCRA कितना टेंशन की बात नहीं है। को FCRA के बाद PMLA और सर्फेसिया भी खत्म करना है आज, दैट इज अ मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है FCRA और PMLA की तरफ। भाई सीरीज कम देखिए, ओल्ड सिलेबस का ही चल रहा है बेटा सब। FCA ओल्ड सिलेबस हो गया, अभी FCRA ओल्ड सिलेबस के लिए नहीं है बेटा, PMLA सर्फेसिया में आना ओल्ड सिलेबस के लिए। हाय एवरीबॉडी, रुपेश, प्रीतम, संतोष, फटाफट ज्वाइन हो जाइए, सबको बोलिए। अभिषेक थैंक यू सो मच, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट यू पर्सनली बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं, नंबर 300 पे पहुंच जाए थोड़ा सा। सो वेट कर, 300 लोग तो कम से कम होने चाहिए। पहले सेशन में 1,100 लोग, दूसरे सेशन में 750 लोग, तीसरे सेशन में 350 तो होने चाहिए। ओके होल्ड सिलेबस हो गया अरुण, कितने बार बोलो बेटा, FCRA चल रहा है, PMLA सर्फेसिया में वापस आना, अभी हम FCRA ले रहे हैं अरुण। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सोलेट करना अच्छे तरीके से। नाउ वी आर गोइंग फॉर द चैप्टर FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट काफ़ी आसान है और फटाफट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट 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 कंसेप्ट, और इतना भी ऐसा नहीं है कि भाई इसके कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे, काफ़ी नॉर्मल से कंसेप्ट है, थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी रेडी विथ माई स्टफ। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, लेट्स गो। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वी आर गोइंग टू रिवाइज लर्निंग एज ऑब्जेक्टिव एज पर ICAI, कतई सस्ते नशे वाली चीज है, इसको निगलेक्ट कीजिए। कमेंट करना बंद कीजिए बेटा, सिर्फ क्वेरीज के लिए कमेंट कीजिए, वरना क्वेरीज स्किप हो जाएगी। सबसे मेरे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज गो विद द सेम। नेक्स्ट चीज, हिस्ट्री ऑफ FCRA, हर लॉ की हिस्ट्री हमने पढ़नी चाहिए, तो हम पहले हिस्ट्री ऑफ FCRA देखेंगे। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि बाहर के देशों से कुछ बड़े पैमाने पर डोनेशन आते हैं इंडिया में एंटी नेशनल चीजों को भड़काने के लिए, ये नॉर्मली इसके पहले हो चुका है, इसलिए कुछ यूनिवर्सिटीज को FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से मना किया गया है, जैसे JNU एक्सेट्रा, आपने शायद जमाया मिलाइया, जो जो भी यूनिवर्सिटीज है आपने शायद इनके नाम सुने होंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। पहली बात तो FCRA पढ़ाना ये खतरे से खाली नहीं है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसको कम्युनल टॉपिक ले लेते हैं। पहली बात तो मैं कोई कम्युनल बंदा नहीं हूं, मैं लाइफ में कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन फॉलो नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, मैं इसके अंदर जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट्स है, मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, वो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टॉपिक बिल्टअप हो। अगर इसमें से आपको पॉलिटिकली या रीजनली कुछ भी गलत लगता है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डैमेज यूअर सेंटिमेंट, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू द टॉपिक, तो मुझे माफ कर देना अगर होता है तो, क्योंकि ये मैं बिल्कुल नहीं करता, आई एम नॉट अ कम्युनल गाय, तो इस चीज को थोड़ा सा स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एट ए टाइम में वीडियोज देख रहे हैं, सो दैट्स वाई हो सकता है। सो
बाहर के देश से कई बार इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे डोनेशंस आते हैं जो एंटी नेशनल चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जेएनयू यूनिवर्सिटी या जमैया मिलया जो यूनिवर्सिटी है उनको बैन करके रखा है एफसीआरए के कॉन्ट्रीब्यूशन लेने से, ये आगे हम पढ़ेंगे ही, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। ठीक है, कई बार ऐसा सिचुएशन होता है, कन्हैया कुमार के ऊपर एक केस हुआ था, हालांकि आई एम नॉट अगेंस्ट कन्हैया कुमार, का देते हो काफी अच्छी डिबेट करता है जब वो पॉइंट्स वगैरह पुट करते हैं, पर एक केस हुआ था जिसके अंदर जेएनयू के अंदर स्लोगन्स एंटी नेशनल पुकारे गए थे, अच्छा उनके ऊपर केस हुआ था। जस्टिस रानी ने ये केस एंटरटेन किया था कन्हैया कुमार के साथ में, जिसके अंदर फोर्स्ड वीडियो एविडेंसेस दिख रहे थे, इसलिए कन्हैया कुमार को कॉन्विक्ट नहीं किया गया, जो फाइनल डिसीजन था जस्टिस रानी का। पर जस्टिस रानी ने यह भी वार्निंग दिया था कि इंडिया में अगर सच में ऐसा कोई कभी केस होता है और उसका एविडेंस हाथ में मिलता है तो इसको गैंग्रीन समझा जाएगा, और वो जो लिंब है, वो जो पार्ट है, वो जो पर्सन है जिसने ऐसा कुछ किया है, उसको इस देश से काट दिया जाएगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देख सकते हो तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनको एफसीआरए लेने से मना कर दिया है होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। जैसे होम मिनिस्ट्री हैज कैंसल्ड सम मोर रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग 8 नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सच एज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आईआईटी कानपुर एंड जामिया मिलिया, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर मेरा ठीक नहीं है तो, सेइंग दैट दीज इंस्टीट्यूशन आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर एफसीआरए अकाउंट। मेरे को एक चीज समझ में आती है बेटा, इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, बंदा अगर गंदा हो और वो कोई भी रिलीजन में हो वो घटिया हरकतें करेगा ही करेगा। सो ऐसे सिचुएशन में एंटी नेशनल चीजें अगर करनी ही है तो बंदा कहीं पे भी करेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे देश को सेम रिलीजन से कई अच्छे अच्छे लोग भी मिले हैं, मुस्लिम रिलीजन से वी हैव एपीजे अब्दुल कलाम, तो मैं उनके तरफ देखता हूँ कि रिलीजन इज लाइक दैट। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में बंदा अगर घटिया हो किसी भी रिलीजन में उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो बेटा हरकतें करेगा ही। आगे अब एफसीआरए की अगर हम चैप्टर लिस्ट देखें, प्रीएम्बल आप सबको पता है, एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, सिटीजन हु आर आउटसाइड इंडिया उनको भी ये एक्ट लगता है अगर एफसीआरए कंट्रीब्यूशन वो देना चाहते हैं तो। फिर चैप्टर लिस्ट, हालांकि एफसीआरए की चैप्टर लिस्ट और प्रीएम्बल इतना काम का नहीं है, सो आई विल गो फॉर टुवर्ड्स द डेफिनेशन स्ट्रेट अवे। सबसे पहला डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी का, और इसके लिए मैं स्ट्रेट अवे वन नोट के ऊपर जाना चाहूंगा जहां पे मैंने ये डेफिनेशन कोट करके रखा हुआ है। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझनी है तो प्लीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना। फॉरेन कंपनी ये चार पार्ट में डिवाइड की गई है डेफिनेशन के हिसाब से, एफसीआरए के डेफिनेशन के हिसाब से, जिसके अंदर पहला पार्ट है कंपनीज एक्ट के फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, विच इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बीसी। सेकंड बीसी बॉडी कॉर्पोरेट, गलत मत सोचना निकम्मा, इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेन हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट द बिजनेस इन इंडिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हालांकि ये चार कंडीशन कंप्लाई करने के बाद अगर आपके मेजोरिटी शेयर होल्डर 50% शेयर होल्डर इंडिया में है तो हम उसको डीम्ड इंडियन कंपनी कहते हैं, ये फॉरेन कंपनी जिन्होंने पढ़ा होगा ऑलरेडी पता होगा, या तो फिर आउटसाइड है मेजोरिटी शेयर होल्डर, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको प्योर फॉरेन कंपनी कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये फॉरेन कंपनी है। दूसरा सब्सिडरी, इस फॉरेन कंपनी का अगर कोई भी सब्सिडरी है तो हम उसको भी फॉरेन कंपनी कहते हैं, सब्सिडरी एज पर 2 सबसेक्शन 87। तीसरा, अगर इन फॉरेन कंपनीज का कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर ओन्ड और कंट्रोल्ड, इन लोगों से अगर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ऐसे सिचुएशन इन फॉरेन कंट्री तो हम उसको भी कहेंगे फॉरेन कंपनी। अगर कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उसका सब्सिडरी है, टू और मोर कंट्रीज में उसका इंटरप्राइज है, तो हम उसको भी फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ये फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट, एओपी, बीवाई, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन सब आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। कब खत्म होगा लेक्चर बेटा पता नहीं, जब मेरा पढ़ाना खत्म हो जाएगा या एनर्जी खत्म हो जाएगी उर्वेन तब लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आपको और मेरे को एक ही काम है जिंदगी में, क्वारंटीन चल रहा है, वैसे भी कौन सा बाहर घूमने जाना है सर, प्लीज अब बस करो। उर्वेन बेटा अपन सीए फाइनल पे है, इंटर के बच्चे ऐसे चिल्लाते हैं, हिम्मत जुटाओ, मेरे को पूरा भरोसा है फाइनल के बच्चे कुछ बेटर करते हैं इससे ज्यादा। 450 लोग, तूफान, 1001 से हमने शुरुआत की थी, 450 पे पहुंचे। बहुत बढ़िया, इंटर में भी ऐसे ही हुआ था, वी हैव स्टार्टेड विद कुछ 750 स्टूडेंट्स, वो तो एक दिन पहले ही वार्निंग दिया था कि मैं इंटर विजन लेने वाला हूँ, एंड के लेक्चर में 200 स्टूडेंट बचे हुए थे। कोई बात नहीं, चलो आगे। ये होने के बाद में मैं दूसरे डेफिनेशन के ऊपर जा रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। इनकॉर्पोरेशन फॉरेन कंपनी डेफिनेशन हो गया, ओके नेक्स्ट वाला है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन बड़े अच्छे समझना, इस बार इसके अंदर अमेंडमेंट है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब एनी डोनेशन डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ एनी काइंड ऑफ आर्टिकल, एनी काइंड ऑफ करेंसी और एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, और ये सब होना चाहिए अबव 1 लाख, अबव रुपीज 1 लाख, अबव 1 लाख के ऊपर अगर ये रहा तो
ऐसे सिचुएशन में हम इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। 1 लाख के नीचे वाले किसी भी डोनेशन, गिफ्ट या डिलीवरी को हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन में कंसिडर नहीं करते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। मट कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी एफसीआरए में भी लगाया है। ज्यादा डिटेल चाहिए तो अमेंडमेंट लेक्चर देखना, उसके अंदर मैंने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि अगर ऐसा कोई डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर किसी पर्सन को मिलता है और वो आगे और किसी पर्सन को ट्रांसफर करता है तो उसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा। जैसे ये मिला ए को, जैसे ये मिला वरुण धवन को, उसने ट्रांसफर किया नोरा फतेह को, तो ऐसे सिचुएशन में इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा। इसके ऊपर के इंटरेस्ट को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा, और एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स उसको भी हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन का सिंपल डेफिनेशन है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फर्स्ट। गौरव, ये ओल्ड सिलेबस के लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा, आप अभी स्किप कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बाद में अगली डेफिनेशन आती है पर्सन की, कुछ काम के नहीं है उसके अंदर, उन्होंने क्या तो डेफिनेशन बना के रखी है भगवान को ही मालूम। फॉरेन हॉस्पिटलिटी डेफिनेशन, ये मैं कवर करूंगा सेक्शन 6 के साथ में, जब फॉरेन हॉस्पिटलिटी का मेन डिस्कशन आएगा, सो वेट फॉर इट। अगला है फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, गवर्नमेंट रिलेटेड सोर्स, दूसरा वाला गवर्नमेंट रिलेटेड सोर्स में गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री और इट्स एजेंसी, जैसे बाहर की फॉरेन कंट्री है पाकिस्तान और उसकी एजेंसी है आईएसआई, ऐसा ही है ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको फॉरेन सोर्स बोलेंगे। नीचे इंटरनेशनल एजेंसी नोटिफाइड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कोई एजेंसीज है इंटरनेशनली, जैसे चाइल्ड वेल्थ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कोई भी। फिर कंपनी रिलेटेड, सो मतलब फॉरेन सोर्स कंपनी रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं? फॉरेन कंपनी जो हमने डेफिनेशन में देखा, कॉरपोरेशन, कोई भी कॉरपोरेशन, एलआईसी, जीआईसी, ऐसे फॉरेन में कोई कॉरपोरेशन है तो, मल्टीनेशनल कंपनीज, और उसके बाद में कंपनी हुज मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय फॉरेन पर्सन, फॉरेन पर्सन ने होल्ड किया है तो फॉरेन सोर्स बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाला अदर्स के अंदर आता है, ट्रेड यूनियंस, फिर फॉरेन ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस, फिर उसके बाद में आता है सोसाइटी एंड क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब एक्सेट्रा, और फिर आता है सिटीजन ऑफ द फॉरेन कंट्री। इस चीज को हम फॉरेन सोर्स कहते हैं, इसके अंदर सभी फॉरेन सोर्स हमने कवर कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। वैभव नाथवानी, यहाँ पे प्लीज सवाल ना कीजिएगा, सिर्फ क्वेरी है तो सिर्फ पूछिएगा, स्पैम हो जाएगा वरना मैसेज। चलो, ये चीज होने के बाद में वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड हॉस्पिटलिटी। ठीक है, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, स्पेसिफाइड पर्सन जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, टाइप ऑफ पर्सन हम उसके साथ देखेंगे कि कौन से पर्सन को ये और ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफाइड पर्सन ऐसे है सेक्शन 3 में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले ही नहीं सकते बाहर से। सबसे पहला इलेक्शन कैंडिडेट, इलेक्शन के लिए जो आदमी खड़ा है नहीं ले सकता, क्योंकि अब इसका लॉजिक क्या है, सिंपली ये पूरे के पूरे 7-8 लोगों का इज, जो बंदा पब्लिकली डैमेज कर सकता है उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है, इलेक्शन कैंडिडेट को अलाउड नहीं है, न्यूज़पेपर राइटर और एडिटर को अलाउड नहीं है, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अलाउड नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को अलाउड नहीं है, उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बेयरर को अलाउड नहीं है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को अलाउड नहीं है, उसके बाद में एसोसिएशन, कंपनी, ऑडियो विजुअल मीन्स टुगेदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और एनी अदर राइटर और एडिटर ऑफ सच न्यूज चैनल, इनमें से किसी को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है। क्लियर है? आप इसको बकायदा कैटेगराइज कर सकते हो अच्छे सिचुएशन में, जैसे आप इलेक्शन कैंडिडेट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को एक पार्ट के अंदर ले सकते हो, समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिस बेयरर को एक पार्ट में ले सकते हो, दिस इज वन पार्ट, दिस सेकंड पार्ट, उसके बाद में आप ले सकते हो न्यूज़पेपर एडिटर और राइटर को, और साथ में उसके ऐड कर सकते हो, दैट इज आपका न्यूज़ चैनल एडिटर्स एंड राइटर्स, और एक स्पेसिफिकली उड़ता है चौथा, दैट इज जज और गवर्नमेंट सर्वेंट्स। 4 कैटेगरी याद रखना, आसानी से याद हो जाएगा, इलेक्शन कैंडिडेट, साथ में मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ये साथ में आएगा, न्यूज़पेपर राइटर एडिटर, न्यूज़ चैनल राइटर एडिटर्स, उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी अंडर ऑफिस बेयरर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड एंड में जज, गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेट्रा। इनको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है। साथ में अगर कोई एक पीआरआई पर्सन एंड पीआरओआई पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया अगर है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बेयरर को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर कर रहे हैं खुद लेके, तो भी इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। ये भी आप कर नहीं सकते, मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बेयरर बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहता है और वो पीआरआई या पीआरओआई के थ्रू लेना चाहता है तो उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये प्रोहिबिटेड है, तो मैं चाहूंगा इसका भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट्स लेके रखो, गो फॉर इट फास्ट। साढ़े 400 के ऊपर लोग, तूफान, 470 लोग हैं ऑनलाइन, जबरदस्त, जिंदाबाद।
सर्वर के लोकेशन पे। देखो बेटा, सर्वर का लोकेशन कहीं पे भी हो, अगर बिजनेस इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है तो फॉरेन कंपनी माना जाएगा बेटा। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सुष्मिता, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, सुष्मिता ने सवाल पूछा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर गुड्स और सर्विसेज के लिए कोई भी पैसा आता है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा क्या? नहीं। एक बात आपने एफसीआरए में याद रखना है, एफसीआरए का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है ट्रेड। अगर ट्रेड के खिलाफ कोई भी पैसा आ रहा है तो उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, उसके खिलाफ पैसा आ रहा है, आपने एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन बाकायदा फाइल किया है, वैल्यू मैच हो रहा है, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बोला जाता। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड के बाद आता है एक्सेप्शन, कि कौन से केसेस में ये आठ लोग, मैं एक्सेप्शन सिर्फ इन आठ लोगों के लिए दे रहा हूं, ये आठ लोग कौन से केसेस में, ये सात लोग कौन से केसेस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, तो इसके भी एक्सेप्शन है सात। सबसे पहला, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्न बाय वे ऑफ सैलरी और द वेजेस और रेमुनरेशन बाय हिम, अगर उसने सैलरी और वेजेस करके इसको अर्न किया है बाहर से तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्न बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स में, एक्सेप्शन अभी बोला था ट्रेड और कॉमर्स में मिला है तो भी चलेगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्न अगेंस्ट द एजेंट और सोर्स और मेकिंग ट्रांजेक्शन विद द सीजी, अगर कोई भी बंदे ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ट्रांजेक्शन किया है तो उसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है। अगर कोई गिफ्ट मिला है डेलीगेशन, इंडियन डेलीगेशन को, कई बार प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, पीएमओ बीच में, प्राइम मिनिस्टरल ऑफिस बीच में था, एरोप्लेन मोड के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने सुना तो घूम ही रहे थे, क्लियर है, बहुत सारे देशों के साथ में ट्रीटी करके आए। ठीक है, सो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को सपोर्ट नहीं करता, और मैं सबको वोट करता हूँ, ये चीज को याद रखना। ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ना ही मैं सपोर्ट हूँ ना ही उसके अगेंस्ट हूँ, जो चल रहा है चलने दो, मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है जिंदगी में। ठीक है, सो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर गिफ्ट के थ्रू मिल रहा है किसी इंडियन डेलीगेशन को, प्राइम मिनिस्टर गए साथ में पूरा डेलीगेशन लेके, हर एक को एक एक गिफ्ट मिला, तो ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना अलाउड है। अगली वाली चीज ना, वहां पे ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे गिफ्ट मत दो, हमारे लॉ के अंदर ही अलाउड नहीं है करके। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्नड फॉर हिज रिलेटिव, अगर खुद के रिलेटिव के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज रिलेटिव अगर अर्न किया है, नॉर्मली पहले इसके लिए एग्जम्पशन था रुपीज 1 लाख तक के, यही एग्जम्पशन अब आगे दिया है गिफ्ट और आर्टिकल के लिए, तो ये अलाउड है। अगली चीज, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्न्ड बाय वे ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, चीजें दे रहे हो और बदले में पैसा आ रहा है, तो मैंने बोला ट्रेड और कॉमर्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अलाउड है। लास्ट वाला, अर्न्ड बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप स्टाइपेंड और एनी पेमेंट, इसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे सैलरी वेजेस रेमुनरेशन और स्टाइप पेंड स्कॉलरशिप वगैरह को एक पार्ट में ले सकते हो, अर्न बाय वे ऑफ कॉमर्स ट्रेड एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को आप दूसरे पार्ट में ले सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। डेलीगेशन को आप ले सकते हो एक पार्ट में, पार्ट नंबर थ्री, और रिलेटिव की तरफ से तो स्पेसिफिक है भैया, स्पेशल है तो चौथे पार्ट में लेना चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। काजल राठौड़, आप अमेंडमेंट लेक्चर एक बार देखिए, 1 लाख की लिमिट अगर आपको ठीक से समझ नहीं है तो प्लीज गो विद दैट, अमेंडमेंट लेक्चर को प्रॉपरली देखिए, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, यहां बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा बेटा। सागर, काजल, काजल दोनों याद रखना। फाइव लैक्स की लिमिट बाहर गिफ्ट के लिए देना है निरंजन, फिवो फेमा की बाहर गिफ्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, ये इंडिया में पैसा लाने के लिए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, कंसोलिडेट करना अच्छे तरीके से ध्यान देना। ये चीज होने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगली चीज है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी। पहला तो सवाल है फॉरेन हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं। चार लोग फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते, जिसमें से पहला है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, एमएल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, दूसरा है पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बियरर, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बियरर, तीसरा है जज गवर्नमेंट सर्वेंट, और चौथा है गवर्नमेंट सर्वेंट। ये चार लोग फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते। हॉस्पिटलिटी में क्या क्या आएगा तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। सबसे पहले ट्रैवल किसी भी टाइप का, तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो एनी काइंड ऑफ ट्रैवल, ऊपर देखना डेफिनेशन में। दूसरा बोर्डिंग और लॉजिंग, बोर्डिंग मतलब खाना खाना, लॉजिंग मतलब रहना सोना, और उसके बाद में अगेन ट्रैवल मतलब ट्रांसपोर्ट, अगर आप कंट्री के बीच में ले रहे हो, जैसे आप पाकिस्तान गए वहीं ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, या किसी भी टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी भी टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वाला, इन सबको हम हॉस्पिटलिटी में मानते हैं। चार लोग ये हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब ये चार लोग हॉस्पिटलिटी अगर लेना चाहते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऐसा बोला गया है, देखो मैं पहले इसको पढ़ लूं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपको फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेना है तो ऐसे सिचुएशन में आपने फॉरेन हॉस्पिटलिटी के लिए 2 वीक्स प्रायर नोटिस देना जरूरी है। कितने वीक्स प्रायर नोटिस देना जरूरी है, यहां पे लिखा होगा कहीं पे। सबसे पहले इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए होस्ट कंट्री से,
एफसी फॉर्म नंबर 2 में आपने अप्लाई करना चाहिए, प्रायर परमिशन के लिए 2 वीक्स प्रायर आपने अप्लाई करना चाहिए। और यहां एक अमेंडमेंट आया था, मैंने क्लास के अंदर कई बार बोला था ये अमेंडमेंट आएगा आएगा आएगा, जरूर आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। और करण अर्जुन आए, यहां देखना एक्ट के अंदर 1 मंथ की नोटिस दी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रूल्स के अंदर 60 डेज दिए, तो ये 60 डेज का नोटिस अब गायब हो चुका है, इसके जगह पे 1 मंथ हुआ है। यह क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट 2 मिनट के लिए बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अगर आप हॉस्पिटलिटी हो, बोर्डिंग और लॉजिंग, या अभी किसी भी टाइप का हॉस्पिटलिटी हो जैसे ट्रैवल, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है मेडिकल एड, तो आप किसी भी टाइप का हॉस्पिटलिटी ले रहे हो और आपको ऑलरेडी पता है कि ये हॉस्पिटलिटी आपको काम में आने वाला है, ये हॉस्पिटलिटी के मैं बोल क्यों नहीं पा रहा, एनीवेज छोड़ो। तो ऐसे सिचुएशन में ये हॉस्पिटलिटी लेने के लिए आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा या प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा 2 वीक्स प्रायर, हॉस्पिटलिटी लेने के 2 वीक्स प्रायर आपको ये परमिशन लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको अप्लाई करना है फॉर्म नंबर FC2 में, और एप्लीकेशन जाएगा मोहा को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। लेकिन मेडिकल एड बोल के नहीं आता, आप फॉरेन में चले गए और वहां टांग टूट गई, जिंदगी अंदर वहां हार्ट अटैक आया, हरकत ही ऐसी की थी जिंदगी में कि टांग टूटेगी और वह हार्ट अटैक आएगा। अगर आपने ऐसा कोई सिचुएशन किया है और मेडिकल एड आपको दिया गया है इमरजेंसी में, इमरजेंसी मेडिकल एड दिया है, तो आपने फॉर्म नंबर FC2 फाइल करना है 1 मंथ के अंदर। पहले ऐसा था कि 1 मंथ पहले सेक्शन में बोला था और रूल्स के अंदर 60 डेज बोला था, और मैं तब से बोल रहा था कि रूल्स, सेक्शन विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर रूल्स, तो सेक्शन रूल्स के ऊपर प्रिवेल हो गया। अब दोनों जगह पे 1 मंथ बोला है, यही अमेंडमेंट है, या आपने बोलना है मोहा को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। यह है फॉरेन हॉस्पिटलिटी के ऊपर का रिस्ट्रिक्शन। ये 4 लोग फॉरेन हॉस्पिटल ले सकते हैं, ये सिर्फ 4 लोगों के लिए, सिर्फ 4 लोगों के लिए है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो। चलो डर, ओके, पीछे वाला स्क्रीनशॉट ले लो एक और, दिस वन, ठीक है। आपको चाहिए तो रूल्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वहां पे छोटा सा अमेंडमेंट आया है। सो यहां 60 डेज की जगह पे 1 मंथ हो चुका है, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना, ओके। ये चीज होने के बाद, फॉरेन हॉस्पिटलिटी होने के बाद, आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनदर पर्सन। आप अदर पर्सन को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर कर सकते हो क्या, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बोला गया है। समझो पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन ने अगर इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो क्या ये इंडियन यूनिवर्सिटी, अगर ये इंडियन यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड मतलब इसके पास प्रायर परमिशन है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने का, और जो आया है वो आया है, इमेजिन करते हैं $1 लाख बाहर से आया है, तो ये यूनिवर्सिटी खुद के स्टूडेंट्स को या किसी और को ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे सकती है क्या? सबसे पहली बात, इसको आप डिवाइड करो 2 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला पार्ट, अगर ये लोग सर्टिफाइड है या इन लोगों के पास प्रायर परमिशन है, तो जितना चाहो 100% फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो, एंटायर $1 लाख 100% आप यही दे सकते हो, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? 100% आप यही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये लोग सर्टिफाइड नहीं है, नॉट सर्टिफाइड, नो प्रायर परमिशन, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले यहां पे बहुत सारे अप्रूवल लगते हैं, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। सबसे पहले आपको प्रायर अप्रूवल लगेगा सीजी का, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ठीक है। दूसरी बात, आपको फाइल करना पड़ेगा, अप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर्म नंबर FC10 में, अप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर FC10। हमारे मॉड्यूल में FC10 दिया है, हालांकि नॉर्मली इसके लिए FC4 भी यूज किया जाता है। आपको अप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर्म नंबर FC10 में, और आपको इसका रिटर्न मेंटेन करना पड़ेगा। एक और फॉर्म इसके अंदर आएगा, इन्वॉल्व है FC4। ये देखो फॉर्म नंबर FC4 में आपको रिटर्न इसका इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। साथ में ये चीज बोली गई है कि आप मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इस सिचुएशन में ट्रांसफर जो कर सकते हो वो सिर्फ है 10%। The contribution you can transfer in such a situation is to non-registered person, you can transfer is just 10%. So, आपको FC10 में permission लेना है, FC4 में आपको return file करना है, और maximum contribution आप जो forward कर सकते हो इन लोगों को is maximum 10%। ये चीज को आपको याद रखना है, ये है section number 7, इस चीज को याद रखना चाहिए। तो screenshots ले लो, go for it fast.
FC2 ही बोला है बेटा जय, मेडिकल एड कितना भी हो FC2 ही फाइल करना है, क्योंकि मॉड्यूल में और कुछ दिया नहीं है। वैसे तो इसके लिए अलग अलग फॉर्म लगते हैं डिपार्टमेंट साइट पे। स्टडी बैट में वो कंसिस्टेंटली ई फॉर्म्स गलत गलत बोल रहे हैं तुषार, या अलग अलग बोल रहे हैं, पर जो हम लिख रहे हैं उसी को फॉलो करना है आपने। पीएमएलए सरफेस या आई डोंट नो आज होगा क्या, FCRA जब खत्म होगा तब उसके बाद हम डिसीजन लेंगे बेटा। अरुण अरुण स्पैम ना कीजिए, मुझे आपको हाइड करना पड़ेगा। अर्जुन चलो ये चीज हो गई सबकी। ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर जाते हैं। फिर अगला कंटेंट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है, अब ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, पहले मैं इसको रीड कर लेता हूं थोड़ा सा। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर अ पर्पज ऑफ अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे सिचुएशन में शॉल नॉट बी यूज फॉर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल बाय रूल स्पेसिफाई एक्टिविटीज बिजनेस विच शॉल बी कंसिडर्ड एज स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव मतलब लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड्स, उसके बाद में इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स, ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस में माने जाते हैं। आप मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन जो आया है वो 50% ही यूज कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, बचा हुआ पूरा आपको आपके मेन बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। इसके बाद में प्रोवाइड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस एक्सीडिंग 50,000, ऐसे सिचुएशन में 50% से ज्यादा जा रहे हैं तो प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप जी ने अगर आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, लेट्स इमेजिन $10 लाख का। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको दो टाइप के जो है वो चीजें करनी पड़ती है। पहली बात तो उसको खुद का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, खुद के एम्प्लॉयज को संभालना है, खुद का ऑर्गेनाइजेशन चलाना भी तो है, सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस। दूसरा, उसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा यूज करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सिटी। अब जैसे यूनिवर्सिटी में मेन ऑब्जेक्ट है एजुकेशन देना, तो एजुकेशन के लिए बिल्डिंग खड़ी करना, डेस्क बेंचेस लगाना, ये मेन ऑब्जेक्ट के लिए काम हुए। लेकिन खुद के एम्प्लॉयज अपॉइंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की सैलरी देना, प्यून वगैरह को पैसा देना, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हुए। तो 10 लाख में से बोला गया है मैक्सिमम 50% यू कैन यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस विदाउट अप्रूवल, विदाउट अप्रूवल। लेकिन अगर आपको अबव 50% यूज करना है, अबव कितना परसेंट बोले एक बार, 50%, तो आपको प्रायर सीजी का अप्रूवल लगेगा, प्रायर सीजी अप्रूवल। और मेन ऑब्जेक्ट के लिए तो फ्रीली परमिसेबल है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला है उसके लिए तो ऑब्वियसली फ्रीली परमिटेड है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरी बात, आप ये कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट यूज फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस। स्पेक्युलेशन के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर ट्रेडिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लो। दिव्या शर्मा, बात के ऑप्शन की कोई गारंटी नहीं है, मैंने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये चीज मैंने कई बार बताई थी ऑलरेडी। चलो, ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर हम जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला कंटेंट जो आ रहा है दैट इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहली बात, आप सेक्शन 3 के अंदर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले नहीं सकते। कोई भी पर्सन सेक्शन 3 छोड़ के फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकता विदाउट प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन के साथ ही आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हो। सेक्शन 3 में वो जो 7 लोग हमने रिस्ट्रिक्ट किए थे, वो 7 लोगों को तो लेना ही अलाउड नहीं है। वो 7 लोग छोड़ के भी अगर कोई बचता है, कोई बचता है जैसे आप जैसे मेरे जैसे लोग, तो प्रायर परमिशन के सिवा आप इसको ले नहीं सकते। सेक्शन 6 में आप नॉर्मली हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ सीजी, ये चीज को आपने याद रखना। आपने डिटेल अमाउंट प्रोसेस करना चाहिए सेक्शन 11 के अंदर, मतलब ये सब रिस्ट्रिक्शन लगे हैं। सिंपल सी बात आपको अगर मैं बताऊं तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन या हॉस्पिटलिटी आप बिना प्रायर परमिशन या बिना अप्रूवल के ले नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहे हो तो उसको अगेंस्ट सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ यूज नहीं करना है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ यूज नहीं करना है, फ्रीडम फेयरनेस इलेक्शन के खिलाफ यूज नहीं करना है, फ्रेंडली रिलेशन के खिलाफ यूज नहीं करना है, हार्मोनी के खिलाफ यूज नहीं करना है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना। ये ऐसा का ऐसा ही बना रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। अगर इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में आपको कोई पैसा मिला है तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो भी आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी मिला है, तो ऐसे सिचुएशन में ये कॉन्ट्रावेंशन के खिलाफ मिला है तो ये पर्सन को प्रोहिबिट किया जाएगा फ्रॉम
पेइंग डिलीवरिंग और ट्रांसफरिंग सच ए सिक्योरिटी, आप इस सिक्योरिटी, इस करेंसी, इस आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते अगर आपने एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो। सिंपल प्रोविजन है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 9 और 10 के लिए चार्ट में दे रहा हूं स्पेसिफिकली, दिस चार्ट इज रिगार्डिंग होल्ड, कि आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। तो सिंपल सी बात बोली गई है कि आपके पास एक तो प्रायर परमिशन होना चाहिए या आपके पास अप्रूवल होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट किस तरीके से लिया जाता है, वी विल सी दिस। अप्रूवल या सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, इतनी सी चीज बोली गई है, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज आएगी, दैट इज सेक्शन नंबर 11, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन पर्सन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर टाइप ऑफ परमिशन हम डिस्कस करने वाले हैं, कितने टाइप के परमिशन होती है। सबसे पहले, पर्सन हैविंग अ डेफिनाइट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और लिंग्विस्टिक और रिलीजनल सोशल प्रोग्राम। अगर आपका कोई सोशल प्रोग्राम है और आपको परमिशन चाहिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करने का, या फिर आपको वन टाइम परमिशन चाहिए, हैविंग नॉट हैविंग एनी सोशल प्रोग्राम, आपका सोशल प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ वन टाइम के लिए आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाहर से चाहिए, कोई स्कॉलरशिप है, कोई रिटर्नरशिप है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको मिल रही है ऐवे ही, तो ऐसे सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, डिपेंडिंग ऑन एरियाज और क्लास ऑफ एरियाज, पर्पज और क्लास ऑफ पर्पजेस, सोर्स ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स जहां से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि आप सोशल बेनिफिट करना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए 5 साल के लिए, लेकिन वन टाइम परमिशन है तो ऐसे केसेस में आपको प्रायर अप्रूवल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, बोले एक बार, प्रायर अप्रूवल। ये चीज को मैं आगे और थोड़ा सा एलेबरेट कर दूं, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। होल्ड सो अगर मैं बोलू तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जरा काम में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली एफसीआरए और फेमा का क्रॉस रेफरेंस है योगेश, एफसीआरए के कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया में आ ही नहीं सकते जब तक फेमा का अप्रूवल ना हो, ठीक है, आरबीआई का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। ये चीज होने के बाद अब मैं जा रहा हूं थोड़ा सा मेन डिटेल्स के ऊपर, आ जाइए किस तरीके से सर्टिफिकेट ग्रांट किया जा सकता है और किस किस को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है। अब ये लंबी लिस्ट है, ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये गया काम से, ठीक है। सबसे पहले तो ये पर्सन फिक्टिशियस और बेनामी नहीं होना चाहिए जिसको कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, या बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी एक्ट में अंदर फंस जाएगा। उसके बाद में ये पर्सन प्रोसिक्यूटेड नहीं होना चाहिए, या किसी भी रिलीजियस कन्वर्जन के लिए ये प्रोसिक्यूट नहीं होना चाहिए, कॉन्विक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी रिलीजियस कन्वर्जन के लिए, ठीक है। मिशनरीज वगैरह जो ये काम करते हैं कन्वर्जन के, उसके अंदर प्रोसिक्यूट नहीं होनी चाहिए। इसने कभी भी कोई कम्युनल टेंशन या डिसहारमोनी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी डाइवर्जन मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इसने फंड्स को नॉर्मली प्रॉपरली यूज करना चाहिए, किसी भी वॉयलेंट मेथड को यूज नहीं करना चाहिए। Likely to use a foreign contribution for the personal gain, personal gain के लिए इसने use नहीं करना चाहिए, divert नहीं करना चाहिए, not contravened any provision of this act, उसके बाद में has not been prohibited from accepting foreign contribution, convict under any other law for the timing in force. अब अगर regular batch होता तो इसके अंदर हम इसको याद करते थे बैठ के, nearly आधा एक घंटा में देता था और बाकायदा याद करता था, पर ये वंडर रिविजन है तो आपको खुद को याद करना पड़ेगा, वेरी सॉरी बेटा। Association of person is likely affect prejudicially, अगर आपका association of person ये affect कर रहा है sovereignty, integrity of India को, तो आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन या सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी, अगर ये अफेक्ट कर रहा है सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक या साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट को असर कर रहा है, तो आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन या सर्टिफिकेट या परमिशन नहीं मिलेगा। फ्रीडम फेयरनेस को असर कर रहा है तो सर्टिफिकेट और परमिशन नहीं मिलेगा। फ्रेंड रिलेशन को असर कर रहा है, सर्टिफिकेट परमिशन नहीं मिलेगा। अगर किसी भी तरीके से रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक बैरियर्स को अगर असर कर रहा है तो आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का परमिशन या सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। शॉल नॉट लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस को इसने प्रोवोक नहीं करना चाहिए, किसी भी पर्सन के फिजिकल सेफ्टी को इसने थ्रेट नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब कंप्लाई करते हो, मतलब इस सब में आप नहीं फंसते हो, तो आपको सर्टिफिकेट या प्रायर परमिशन मिल सकता है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिनके पास नहीं है गो फॉर इट फास्ट। हाँ, ये सिर्फ नए सिलेबस के लिए है वंशु। चलो नेक्स्ट इसके ऊपर जाते हैं, अगली बात
ये चीज होने के बाद में प्रोसीजर टू ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन करना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, और दूसरा है प्रायर परमिशन। सर्टिफिकेट अलग, परमिशन अलग। परमिशन वन टाइम, सर्टिफिकेट ये दिया जाता है 5 साल के लिए, ठीक है? सो दिस इज फॉर 5 ईयर्स, देयर इज ओनली वन टाइम, ये चीज को याद रखना। सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो अप्लाई करो फॉर्म नंबर FC3 में, मॉड्यूल में तो यही लिखा है तो हम इसी में अप्लाई करेंगे। आपको अप्लाई करना है मुहा को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, क्लियर है कांसेप्ट? ये FCRA का अथॉरिटी है। और अगर आपको प्रायर परमिशन चाहिए तो FC4 में अप्लाई करो, अगेन आपको अप्लाई जो करना है वो अप्लाई करना है मुहा को ही, ये चीज को आपने याद रखना। फिर इसके बाद में आपका एप्लीकेशन विद इन 90 डेज एक तो एक्सेप्ट होगा नहीं तो रिजेक्ट होगा, और 90 डेज में अगर एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों नहीं हुआ तो उसे डीम्ड रिजेक्शन माना जाएगा। इफ नॉट डन विद इन 90 डेज तो ऐसे सिचुएशन में डीम्ड रिजेक्शन, डीम्ड रिजेक्टेड माना जाएगा अगर 90 डेज में ये नहीं हुआ तो। अगर एक्सेप्ट हुआ है एप्लीकेशन तो हम सर्टिफिकेट ग्रांट कर देंगे, अगर एक्सेप्ट हुआ एप्लीकेशन तो हम परमिशन भी ग्रांट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल रिजेक्शन हो सकता है या नॉट अप्रूव्ड इन 90 डेज हो सकता है, जिसे हम डीम्ड रिजेक्शन मानते हैं। क्लियर है कांसेप्ट? ये यहीं पे लिखा हुआ है नीचे। सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ तो अप्रूवल विल बी सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर्स, एंड परमिशन विल बी वैलिड ओनली फॉर 1 टाइम, परमिशन एक ही बार के लिए वैलिड है। नीचे रिजेक्शन में सीजी विल रिकॉर्ड अ रीजन फॉर रिजेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कम्युनिकेट अ रीजन इफ रिक्वायर्ड एज पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसको रीजन चाहिए वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में रीजन मांग सकता है। मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। पिछला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिजेक्शन के अगेंस्ट रेमेडी सूर्या एट सच लॉ के अंदर या आपने सिलेबस के अंदर बोली नहीं है, इस केस में एक ही रेमेडी है कि आप जो प्रॉब्लम हुआ है, जो प्रॉब्लम हुआ है उसको आप रेक्टिफाई करके वापस रीअप्लाई कर सकते हो, यही रेमेडी है, बाकी और कोई रेमेडी डिस्कस नहीं की है, ठीक है? चलो ये चीज होने के बाद में आगे बढ़ते हैं, कंसोलिडेट करना अच्छे तरीके से। फिर आता है सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। हमारे पास सस्पेंशन और कैंसिलेशन का डिफरेंस है। अब मैं चाहूंगा कि मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आपके पास जो भी बुक है, मेरी बुक है, किसी और की बुक है, किसी की भी बुक है, सस्पेंशन और कैंसिलेशन एक साथ पढ़िए, आप इसको एक साथ पढ़ोगे। जो नहीं, जिनके पास कोई बुक नहीं है, जो क्वारंटीन में पड़े हुए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, वो एक साथ पढ़िए, फिर इनका डिफरेंस हम नोट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि चार्ट बहुत भारी है करके, ठीक है? सो सस्पेंशन कैंसिलेशन दोनों एक साथ पढ़िए, मैं यहाँ पे मार्किंग भी करता हूँ, आपके पास बुक है तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट निकालो जिसको चाहिए फटाफट। नेक्स्ट,
ठीक है, 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी हम इसका डिफरेंस फिलअप करना शुरू करेंगे, तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना बच्चों। सबसे पहला पीरियड ऑफ सस्पेंशन मैक्सिमम 180 डेज हो सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। पीरियड ऑफ कैंसलेशन मैक्सिमम 3 ईयर्स हो सकता है या मिनिमम 3 ईयर्स भी आप बोल सकते हो, मैं मैक्सिमम मिनिमम कमेंट नहीं करूंगा, मैं 3 ईयर्स बोलूंगा। इट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट कि कितने साल के लिए डिपार्टमेंट करना चाहता है। रीजन ऑफ सस्पेंशन इज नॉर्मली अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, नॉर्मली कोई सस्पिशन है, कोई इंक्वायरी करनी है, तो कैंसलेशन के लिए अलग अलग रीजंस बोले गए हैं। यहां पे आ जाइए, जैसे आप देख सकते हो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है, कंडीशंस वायलेट किए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट है, इनकरेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद में दूसरा पब्लिक उसके बाद में दूसरा वॉयलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पब्लिक इंटरेस्ट से पहले वॉयलेट कंडीशंस भी बोल सकता हूं, स्पेलिंग थोड़ा सा एडजस्ट करना, ऊपर वी आई वो चाहिए था। वॉयलेटेड प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ, चौथा पब्लिक इंटरेस्ट, पांचवा अगर वो 2 साल के लिए डिफेंक्ट हो गया या फिर खुद के ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा, लिख लेना इसको। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हम सस्पेंशन में नहीं देते, नॉट अप्लीकेबल। कैंसलेशन में हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, क्योंकि सस्पेंशन में हम कोई ज्यादती नहीं कर रहे हैं, कैंसलेशन में ज्यादती हो सकती है। रिसीट ऑफ फॉरन एक्सचेंज, अगर आप सस्पेंशन में देखो तो रिसीट ऑफ फॉरन एक्सचेंज के बारे में क्या बोला गया है, नॉट रिसीव अ फॉरन एक्सचेंज विद स्पेसिफिक विदाउट द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप यहां पर रिसीट ऑफ फॉरन एक्सचेंज कर सकते हो विद सीजी अप्रूवल, कैंसलेशन में नॉट अलाउड। यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो मैक्स 25% ऑफ अनयूटिलाइज्ड सस्पेंशन में, और यहां पे यूटिलाइजेशन नॉट अलाउड। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, ये है सस्पेंशन कैंसलेशन का डिफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट। पसंद आया तो लाइक ठोको और साथ में कमेंट भी करो, एकदम लॉजिकल चार्ट है। सिंपल बुक डिसकंटिन्यू हुआ है अजय दत्त, कौन सी दुनिया में, उसके जगह पे बूस्टर बुक आ चुकी है। 3 अटेम्प्ट हो गए, 2 अटेम्प्ट हो गए। चलो डन हो गया। सस्पेंशन में एक और रीजन बोला गया है, नॉट यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रिस्क्राइब मैनर भी हो सकता है। इसी के लिए तो हम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मेन उसका पर्पज यही होता है। ठीक है, चलो सस्पेंशन और कैंसलेशन के बाद में अगले जाते हैं, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट काफी खतरनाक है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। पहले इसको भी एक बार थोड़ा सा रीड करो, मैं फटाफट इसको बोल देता हूँ फटाफट। सर्टिफिकेट शॉल हैव सच अ सर्टिफिकेट रिन्यूड विद इन 6 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको 6 महीने पहले एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट शॉल बी मेड टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन सच अ फॉर्म, दैट इज फॉर्म नंबर FC5 के अंदर आपको एप्लीकेशन करना है रिन्यूअल का। आई गेस ये फॉर्म चेंज हो चुका है, ये हो चुका है FC3C इफ आई एम नॉट रॉन्ग, FC3C ये फॉर्म हो चुका है रिन्यूअल के लिए। तो आई गेस ये FC फॉर्म अभी बचा नहीं है, शायद ये कंफर्म है, तो एक बार नीचे मेरे को कंफर्म करो कमेंट्स के अंदर, क्या ये FC3C हो चुका है। उसके बाद में रिन्यूअल द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल रिन्यू द सर्टिफिकेट ऑर्डिनरली विद इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर ये रिन्यू कर देगा, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, रिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। डज नॉट रिन्यू सर्टिफिकेट विद इन द सेट पीरियड ऑफ 90 डेज, इट इज शॉल कम्युनिकेट अ रीजन देयर फॉर टू एप्लीकेंट। फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट में रिफ्यूज टू रिन्यू सर्टिफिकेट इन द केस वेयर अ पर्सन हैज वायोलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एवरी सर्टिफिकेट मस्ट बी रजिस्टर्ड 5 ईयर्स के लिए, फॉर्म्स 6 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, अप्लाई 6 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी, और इसके लिए फीस 500 रुपीज का लगता था। आई गेस इसके अंदर अमेंडमेंट आया है, चेंज आया है, आई जस्ट टेल यू, होल्ड, इसको एक बार कंफर्म कर ले, को कंफ्यूजन ना रहे जिंदगी में।
किधर गया FCRA? हाँ आ जाइए, हाँ फॉर्म नंबर FC3C हो चुका है, सो FC3C को आपने याद करना है, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर्म नंबर FC5 निकल चुका है और जो फीस है वो हो चुकी है 1500, ये 500 की फीस पुरानी थी, अभी ये 1500 हो चुकी है। ये अमेंडमेंट आया था नवंबर 19 में, इसलिए मेरे को याद है। और उसके बाद में जो लेट फीस वगैरह बोली गई है, ठीक है, रिक्विजिट फीस, जो लेट फीस बोली गई है वो बोली गई है 5000, ठीक है। लेट फीस कितनी बोली गई है? 5000। और ये लेट फीस जो 5000 है, बट नॉट लेटर देन 1 ईयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मे बी एक्सेप्टेड कंसिडरिंग, मतलब 5000 के लेट के फीस के साथ में अप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन 1 साल बाद में नहीं जब से आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है। तो ज़रा आइए मैं इसको समझा दूँ, पहले तो आपके बुक में ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो इसके स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। सो आइए मैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा दूँ। समझो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि 1 जून 2025 को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये एक्सपायर हो रहा है, एक दिन इधर उधर हो सकता है, तो कैलकुलेशन में आप लॉजिक की तरफ ध्यान देना, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले 6 महीने पहले आपने अप्लाई करना है, तो 1 जून के पहले 6 महीने, मतलब मई, अप्रैल, मार्च, फेब्रुआरी, जनवरी, उसके पहले दिसंबर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? मतलब मैंने अप्लीकेशन करना चाहिए 30th ऑफ नवंबर, दिख रहा है सबको? चेंज द कलर, ठीक पेन वर्क नहीं कर रहा, अभी फिंगर टच भी वर्क नहीं कर रहा, क्या वर्क कर रहा? हाँ आगे। सो आपने एप्लीकेशन करना चाहिए 30th ऑफ नवंबर तक के, 2024 तक के आपने एप्लीकेशन करना चाहिए बच्चों, रिन्यूअल के लिए। क्लियर है सर? फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 6 महीने आपको मिलेंगे। क्लियर है? जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपने एप्लीकेशन करना है इन फॉर्म नंबर FC3C टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MOAH, मोहा, विद द फीज ऑफ ₹1500, 1500 का फीस देना है 90 डेज के अंदर। 90 डेज मतलब दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के 31 डेज हो गए 62, फरवरी के 28 डेज, मतलब 28 फरवरी तक के, कलर चेंज कर दूं यहां पे, 28 फरवरी 2025 तक के आपको एक तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट माना जाएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट माना जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? एक्सेप्ट हो गया तो ये 5 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। अब सवाल है 5 ईयर्स के लिए वैलिड कहाँ से? तो 5 ईयर्स के लिए वैलिड होगा जब से आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है वहां से, ठीक है। बाद 1 जून को एक्सपायर हो रहा है तो 1 जून से अगले 5 साल तक के वैलिड हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे 28 फरवरी को ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। 90 डेज में 28 फरवरी 2025 को इधर एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना? मैं ये सभी लिखा हुआ है, मैं क्यों? ओके, सो यहाँ पे लिख के रखूँ इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। क्लियर है कंसेप्ट? वैलिड फॉर 5 ईयर्स इफ एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये वैलिड कब तक रहने वाला है? तो इट इज वैलिड टिल, यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इट इज वैलिड टिल 31st ऑफ मई, अच्छे से ध्यान देना, वैलिड टिल 31st ऑफ मई 2030 तक के ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, वैलिड टिल दिस डेट। ये चीज को समझ जाना, कंसेप्ट समझ में आया? लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर नहीं किया, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के पहले आपने एप्लीकेशन नहीं किया, तो आप डिलेड एप्लीकेशन कब तक कर सकते हो? तो बेटा डिलेड एप्लीकेशन आप कर सकते हो 1 ईयर तक के आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सर्टिफिकेट, मतलब 1 जून 2025 से लेके 31st ऑफ मई 2026 तक के, मतलब इस दिन से लेके इस दिन तक। देखो, इसके पहले एप्लीकेशन कर रहे हो तो 30th नवंबर के पहले अप्लाई करना पड़ेगा, तो 30th नवंबर से लेके 31 मई 2026 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो, बिकॉज ये 1 ईयर का पीरियड ग्रांट किया है ना, और नॉर्मल एप्लीकेशन 6 मंथ्स बिफोर होने चाहिए। तो उस सिक्स मंथ्स में, मतलब ये 6 महीने और ये 1 साल, इस 1.5 साल में, 1.5 ईयर में आप एप्लीकेशन कर सकते हो, अगर आप लेट फीस पे करने के लिए रेडी हो, ₹5000 लेट फीस, तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे एंटरटेन किया जा सकता है। और अगर आप 31 मई को अप्लाई करते हो और आपको सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है, तो फिर ये कब वैलिड रहेगा? तो 5 साल आफ्टर 31 में। ये चीज को याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, कंफ्यूजिंग है काफी, वापस से चाहिए तो रिवर्स करके पढ़ना। फोर मंथ्स डिले हुआ है, 1 ईयर डिले हुआ है,
बेटा 4 मंथ्स का डिले अमेंड हो चुका है, नाउ इट इज 1 ईयर। 4 मंथ्स का डिले अमेंड हो चुका है, जो पूछ रहे हैं 4 मंथ्स 4 मंथ्स, देवेश डिम्प्लामा, ये पिछला नवंबर 19 का आप अमेंडमेंट लेक्चर देखो तो वहाँ 1 ईयर हो चुका है, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। 4 मंथ्स नहीं है, इट इज़ 1 ईयर है, ये चीज़ को याद रखना। दिस इज़ आई एम कन्फर्म ऑफ, तो आप एक बार अमेंडमेंट लेक्चर पिछला मेरा देख सकते हो, ठीक है। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ अगली चीज़ के ऊपर। हम मैं हूँ करने वाले हैं अकाउंट्स इंटीमेशन ऑडिट एंड प्रपोजल ऑफ द असेट्स एक्सेट्रा। सबसे पहले आपने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है वो एक ही बैंक अकाउंट में आपने रिसीव करना है, किसी और बैंक, हाँ यूटिलाइजेशन आप अलग अलग अकाउंट से कर सकते हो पर रिसीट एक बैंक में होना चाहिए। और जैसे ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 48 आवर्स में रिपोर्ट करना है। दूसरी बात, इंटीमेशन टू सीजी, पर्सन रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन शैल इंटीमेट टू सीजी अबाउट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, पर्पज, मैनर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। सोर्स, पर्पज, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन सब। सबमिटेड सर्टिफिकेट टू बैंक बाय ऑथोराइज पर्सन, बैंक और टू ऑथोराइज पर्सन। फॉरेन एक्सचेंज, किसी ने तो भी पूछा था कि फेरा और फेमा में क्या रिलेशन है, सॉरी एफसीआरए और फेमा में क्या रिलेशन है, तो बेटा जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है आपने ऑथोराइज पर्सन को उसका सर्टिफिकेट देना चाहिए कि मिल चुका है आपने। एवरी पर्सन शॉल मेंटेन इन सच अ फॉर्म एंड मैनर एज मे प्रिस्क्राइब एन अकाउंट ऑफ एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाई हिम एंड रिकॉर्ड सच अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ही हैज यूटिलाइज। सो सेपरेट अकाउंट इसके मेंटेन करने हैं, रिसीट के और यूटिलाइजेशन के। इसका ऑडिट किया जाएगा, फेल टू फर्निश इन्फॉर्मेशन पे ऑडिट किया जाएगा, फेल टू गिव इन्फॉर्मेशन पे ऑडिट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सुमोटो भी ऑडिट ऑर्डर कर सकता है। और ऐसे सिचुएशन में जो अपॉइंट किया जाएगा वो कैटेगरी ए, मतलब अपेक्स जो सीएजी क्रेड के कैटेगरी ए के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा और ऑडिट कॉन्फिडेंशियल मैनर में किया जाएगा डे टाइम में। जो अगर आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीट करने का लाइसेंस कैंसिल होता है, सर्टिफिकेट कैंसिल होता है, तो इफ अ पर्सन सीज टू एग्जिस्ट और डिफंक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट विल पास अ ऑर्डर टू डिस्पोज इज असेट। कोई पर्सन बंद हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, तो सीजी ऑर्डर पास करेगा कि किस तरीके से उसके असेट्स को आपने डिस्पोज करना है इन सच अ मैनर एज मे बी रिक्वायर्ड। तो यह है 5 सेक्शन, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 सेक्शन हमने यहाँ पे कवर किए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। ईसीबी को ऑलरेडी हो चुका है बेटा, अमेंडमेंट में आ चुका है रीना, शायद आप अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखते हो, इंस्ट्रक्शन फॉलो किया करो बच्चों। नहीं मिल पाएगी रीना, वेरी सॉरी। पीडीएफ में हम कोई भी सिचुएशन में किसी को भी कोई बुक नहीं देते, कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं एकेडमिक के नाम पे। चलो हो चुका है सबका, लेट्स गो नेक्स्ट। ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 हो चुका है हमारा अगला, एडजुडिकेशन। अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर आपने जो ऑफेंस किया हुआ है वो अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, जो ऑफेंस क्या है, करेंसी सिक्योरिटी आर्टिकल, ये 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो स्ट्रेट अवे कोर्ट ऑफ सेशन को अपील जाएगा और उसके बाद में अपील जाएगा हाई कोर्ट को, क्लियर है। अपील टू हाई कोर्ट नॉर्मली 60 डेज के अंदर होता है, कोर्ट ऑफ सेशन नॉर्मली इसको सुमोटो सॉल्व करता है, ठीक है, और हाई कोर्ट भी इसको सुमोटो ही सॉल्व करेगा। लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो कॉन्फिस्केट हुआ वो 10 लाख के नीचे है तो एडजुडिकेशन करेगा असिस्टेंट सेशन जज, जो कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे होता है, फिर उसके बाद में आप कोर्ट ऑफ सेशन को अपील कर सकते हो, तो ये चीज अलाउ की गई है। फिर कोर्ट ऑफ सेशन जो डिसीजन देगा उसके ऊपर वो बताएगा कि आप हाईकोर्ट को फर्दर अपील कर सकते हो क्या, तो यहां से हाईकोर्ट की फर्दर अपील शुरू हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द केस टू केस जो कोर्ट ऑफ सेशन अलाउ करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। अगली चीज जो आती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर एडजुडिकेशन के बाद होल्ड इज आती है ऑफेंस एंड पेनल्टीज, ठीक है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, मैं उसके ऊपर जा रहा हूं। बीच में छोटे छोटे एक हाथ दो कंसेप्ट है वो एक बार थोड़े से रीड कर लेना, मैं सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां वनडे रिविजन में रिवाइज करवा के दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, प्लीज इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, सभी चीजें इसके अंदर कवर्ड है, ठीक है, जो आपके बुक में या मॉड्यूल में टेबल है उसी से ये मेल खाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले टाइप ऑफ ऑफेंस, गिवन अ फॉल्स इंफॉर्मेशन और फ्रॉड, डन अ फ्रॉड व्हाइल फ्रॉड फॉर सर्टिफिकेट और परमिशन, सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए या प्रायर परमिशन के लिए आपने फ्रॉड किया या गलत इंफॉर्मेशन दी, जेल 6 महीने से कम होगा आपको, 6 महीने तक का जेल होगा, पेनल्टी सुमोटो अथॉरिटी लगाएगी। और स्पेशल पॉइंट, चार्ट बहुत जबरदस्त है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा पेनल्टी का। कोई स्पेशल पॉइंट है क्या? नहीं।
दूसरा ऑफेंस, प्रोहिबिटेड अ पर्सन इन डीलिंग विद द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, सेक्शन नंबर 10। प्रोहिबिटेड अ पर्सन डील्स इन अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर कोई भी प्रोहिबिटेड पर्सन है जिसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना नहीं चाहिए, जो 7 लोग हमने बोले वो अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में डील करते हैं तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। फाइन अथॉरिटी सुमोटो लगाएगा। एडिशनल फाइन मार्केट वैल्यू ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी लगाया जा सकता है, एडिशनल फाइन। नेक्स्ट कॉन्ट्रावेंशन है, असिस्टेंस फॉर टेकिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्स टू अ पर्सन और पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने बाहर से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेके किसी भी पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन को दिया जो आपने नहीं देना चाहिए था, जो प्रोहिबिटेड है, तो जेल हो सकती है, सीवियर है, जेल हो सकती है 5 साल तक के। सुमोटो पेनाल्टी लगाएगी अथॉरिटी। नेक्स्ट, एक्ट और ओमिशन रिगार्डिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लाइबल टू कॉन्फिस्केशन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कोर्ट और ट्रिब्यूनल को कॉन्फिस्केट करना है और आपने उसके अंदर कोई एक्ट ओमिशन या उसको सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोई भी जेल नहीं है, पर फाइन लगेगा अप टू 5 टाइम्स, साथ में ₹100 per day विच एवर इज हायर के हिसाब से आपको ये फाइन लगेगा, इन केस जब तक के कॉन्ट्रावेंशन चलता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रावेंशन फॉर दिस एक्ट एंड नो सेपरेट पेनल्टी इज प्रोवाइडेड। इस एक्ट में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया जिसके लिए कोई भी स्पेसिफिक पेनल्टी बोली नहीं गई है, तो सिंपल जेल हो जाएगा 1 ईयर तक का, और सुमोटो फाइन एक डिपार्टमेंट आपको लगा सकता है। इसको हम हब ऑफ पेनल्टी वाला सेक्शन कहते हैं। नॉर्मली सेक्शन 450 कंपनीज एक्ट का ऐसा है, सेक्शन नंबर 15 HBCB का ऐसा है कि एक्ट में कहीं कोई पेनल्टी नहीं दी हो तो यह मान लेना। एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अदर देन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 35 एंड 37। 35 37 में स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हो, और उस केस में आपने उसका यूटिलाइजेशन अगर किसी दूसरे पर्पज के लिए किया, तो अब ये डिस्कस करने के लिए 15-20 मिनट का समय लगता है। सो अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए किया, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी पेनल्टी या कोई भी जेल नहीं है, बट शॉल नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल तक आप कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। ये ओवरऑल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का पेनल्टी चार्ट है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। एनर्जी आपकी डाउन हो चुकी है मेरे को मालूम है, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट्स ले लो, गो फॉर इट फास्ट। कैसा लगा चार्ट जरूर बताना। गुंजन बूस्टर बुक सेल के लिए नहीं है, भूल बुक सेट सेल के लिए, क्योंकि बच्चे बूस्टर बुक में से पढ़ते हैं और बाद में मेरे को रेगुलर के लिए सवाल पूछते हैं, जो एक्सप्लेन करने में बहुत समय चल जाता है, इसलिए हमने पूरा भूल बुक सेट ही सेल के लिए रखा है। पर अभी ये नहीं मिलेगा क्योंकि क्वारंटीन चल रहा है, तो ऐसे केस में भूल बुक सेट आपको डिलीवर नहीं हो पाएगा। प्लीज एंड, रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, चार्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोलिडेट ये चार्ट देख लिया है कॉन्ट्रावेंशन का, तो कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टीज के बाद में ऑफेंस बाय कंपनीज है, जो ऑलरेडी हमने कॉमन पॉइंट फेमा लेक्चर के लास्ट पार्ट में कवर किया है। ऑफेंस बाय कंपनीज है, तो जो पर्सन पर्सन इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट है और जो डिफॉल्टिंग पर्सन है वो लाइबल रहेगा अगर उसने प्रूव कर दिया। अभी ये सिर्फ मिसलेनियस प्रोविजन है, फटाफट में डिस्कस कर लूँ, छोटे छोटे पॉइंट है। अगर उसने प्रूव कर दिया कि ये बिना उसके परमिशन के हुआ है, या फिर उसको ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ का, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बार ऑन प्रोसिक्यूशन, सिविल कोर्ट प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता, ऑलरेडी बोला है। कंपाउंडिंग की प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी कॉमन पॉइंट में पढ़ाई है फेमा के रिवीजन के एंड में। फिर उसके बाद में पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन कॉल कर सकता है और ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस, ये भी मैंने बोला था, रूल्स क्रिएट कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है जब चाहे तब। पावर टू क्रिएट द रूल्स, ये भी मैंने बताया था, हालांकि यहाँ पे रूल्स की लिस्ट दी गई है, बहुत सारे रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, ये हर लॉ में रहता है कि रूल्स क्रिएट करने का पावर। जैसे कंपनीज एक्ट में पावर है सेक्शन नंबर 468, 469, 470 के अंदर। नीचे पावर टू एग्जम्प्ट इन सर्टन केसेस, ये भी हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट से एग्जम्प्शन दे सकता है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिलेज कर सकता है। अगला, एक्ट नॉट अप्लाई इन सर्टन गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन को नहीं लगेगा, पता है। उसके बाद में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज का भी ऑर्डर हमने डिस्कस किया था, हालांकि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज यहाँ पे 2 साल तक के अलाउड था, 2010 के बाद 2 साल के लिए जो हो चुका है। यहाँ पे आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है खत्म। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अब सवाल उठता है आगे हम कंटिन्यू करें या हम कंटिन्यू ना करें। मैं एक बार थोड़ा सा कपिल सर से 2 मिनट के लिए बात करता हूँ, आप 2 मिनट के लिए वेट कर लीजिएगा। अगर कपिल सर ऑडिट लेने वाले थे, अगर वहां पे मिसमैच हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मैं कपिल सर से बात कर लेता हूँ, अगर वो अलाउ करते तो विल सी, अदरवाइज हम कल लेक्चर ले लेंगे।
लास्ट दो कॉलम का भी पिक भी ले लो, वो भी अवेलेबल है। रेस्ट कर लो, एंड कर दो, आगे कंटिन्यू ना करो। थक गया क्या सब जन? कितने निकम्मे लोग हैं जिंदगी के अंदर। हेलो हेलो, श्योर डन। ओके, कपिल सर का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, सो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आई गेस रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है, उन्होंने बोला। सो हमने आज कवर कर लिया फेमा, आईबीसी और एफसीआरए, काफ़ी डिटेल में कवर किया, थोड़ा समय लगा, आई नो, नियरली 4 घंटे, 5.5 घंटे और 1 घंटा, मतलब 6.5 घंटे का रिकॉर्डिंग हुआ है सिर्फ इकोनॉमिक लॉस के लिए, और 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग होगा नियरली इकोनॉमिक लॉस के लिए। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 घंटे के आसपास का रिकॉर्डिंग हो जाएगा, 7 या 8 घंटे के आसपास इकोनॉमिक लॉ, फिर उसके बाद में 7-8 घंटे का रिकॉर्डिंग हो सकता है कंपनी लॉ के लिए। सो हम इसके लिए आएंगे, कल हम वापस मिलेंगे 2 बजे शार्प, ठीक है? अगर हमको लगा तो हम परसों के दिन भी लेक्चर लेंगे इफ सो रिक्वायर्ड, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन किस तरीके से लेना है। अगर उसके अंदर अमेंडमेंट वगैरह नहीं है तो मैं जो एग्जिस्टिंग लेक्चर है उसी को आगे कैरी करने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए इतना काफी करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितने भी लोग अभी तक चल रहे हैं, जिसके अंदर एनर्जी है, जिनके अंदर दम रहा हुआ है, सो 400 से 400 लोग अभी तक के हैं, मेरी दुआ है कि आप सबको इसका बहुत अच्छा फायदा हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर बहुत पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मेरे को अभी पता नहीं एग्जैक्टली यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो आएंगे या नहीं आएंगे, वो प्रोसेस करने के लिए समय लेते हैं, पहला लेक्चर तो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, दूसरा आएगा, इस यूट्यूब ने अलाउ किया है, लेट्स सी। अभी ये भी अलाउ होता है कि आई डोंट नो, सो विल गो फॉर इट। कल दोपहर 2 बजे हम शार्प मिलेंगे, ठीक है, विथ आवर कंटेंट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, दिस इज दर्शन करे साइनिंग आउट। 300 लाइक तक के, अरे लाइक ठोको, 400 लाइक ठोक देना ताकत से, 400 लाइक ठोके बगैर जाना मत जिंदगी के अंदर यहां से, ठीक है? यहां 450 लोग ऑनलाइन है, 400 लाइक तो ठोक ही दो फटाफट फटाफट। थैंक यू सो मच गाइस, सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच, 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 थैंक यू सो मच। 400 लाइक ठोके बगैर जाना नहीं जिंदगी में यहां से। स्ट्रीम चलता रहेगा, जोर से बोलो जय माता दी, क्या बात है, 400 तक पहुंच रहे, मारो धड़ाधड़, जितने भी है मारो धड़ाधड़। 393, स्ट्रीम एंड करने के पहले तूफान, एक और लाइक बस हो गया, शानदार तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द लाइक्स, गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।